तो चलिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैश फ्लो हेज वर्सेस फेयर वैल्यू हेज। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि सर फेयर वैल्यू हेज क्या होता है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें, कैन बी यूज टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ चेंज इन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एसेट्स और अदर फॉर्म कमिटमेंट। अगर किसी एसेट्स जो कि आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है, कोई लायबिलिटीज आपकी बुक्स में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में अगर कोई चेंज आ रहा है या कोई फर्म कमिटमेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू हेज। टेक एग्जांपल, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ इन्वेंट्री, लेट से आज उसकी कीमत है 70,000। आपने कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, वो बना के रखा हुआ है, आपने उसका वैल्यूएशन किया 70,000 और आपको मालूम है कि आज से 3 महीने बाद आपने इसको बेचना है। तो सबसे बड़ी रिस्क क्या है कि कहीं इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, डाउन ना हो जाए। यही तो रिस्क है ना। आप मुझे बताइए, आपके पास स्टॉक 70,000 का पड़ा, कल को ये 50,000 का हो जाए तो कितने का नुकसान हो गया आपको? 20,000 का लॉस हो गया। तो इस प्रकार के लॉस को मिटिगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हेजिंग कर सकते हैं, आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके साथ में कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप इस 70,000 के गुड्स को 69,000 में बेचने के लिए क्या है, आप 1,000 का लॉस बियर कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 69,000 में आप बेचने को तैयार। अब अगर मान के चलिए आज से 3 महीने बाद ये गुड्स अगर 50,000 का भी हो गया तो भी आप इसको कितने में बेच पाएंगे? आप 69 में बेच पाएंगे। तो फेयर वैल्यू हेज का जो मतलब है, मिटिगेट द रिस्क ऑफ चेंज इन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एसेट्स और अदर फर्म कमिटमेंट। सर फर्म कमिटमेंट का क्या मतलब होता है? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ये स्टॉक था, सेम गुड्स आपके पास पड़ा हुआ 70,000 का, आपने बना के रख लिया है, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज से 4 महीने बाद आप इसको लेट से 70,000 में बेचेंगे, 70,000 में बेचने का कमिटमेंट किया आज से 4 महीने बाद। लेकिन जैसे ही आपने कमिटमेंट किया, आपने भी एक्चुअली गुड्स नहीं बेचा है, आपने केवल एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने प्राइस क्या कर ली है, डिसाइड कर ली कि हम 70,000 में इस गुड्स को बेच रहे। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही अगर मान के चलिए उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ते जा रही है, लेकिन स्टिल आपने क्या किया है, 70,000 में बेचने का कमिटमेंट कर दिया है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया फेयर वैल्यू हेज। तो फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग कैसे होती है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले एक एग्जांपल के थ्रू। अब हम बात करते हैं सर कैश फ्लो हेज। तो कई बार स्टूडेंट को ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज में, तो हमने बात करी वहां पे बुक्स में रिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड था, यहां पे है मिटिगेट द रिस्क दैट एसोसिएटेड विद सडन चेंज इन द कैश फ्लो ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी रेदर देन एसेट्स और लायबिलिटी इटसेल्फ। मतलब उस एसेट्स और लायबिलिटी से मिलने वाले या पेमेंट करने वाले कैश फ्लो में अगर चेंजेस होने की संभावना हो। टेक एग्जांपल, डेफिनेशन क्या बोल रही है सर, कैश फ्लो हेज कैन हेल्प टू मिटिगेट द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद सडन चेंज इन कैश फ्लोज, सडन चेंज इन द कैश फ्लोज ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज। अब एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए आपको एक सेल ऑर्डर मिला हुआ है कि आपको किसी को गुड्स सप्लाई करना, एक आपने गवर्नमेंट का टेंडर फाइल किया है, आपको वहां पे गुड्स क्या करना है, सप्लाई करना है। गुड्स अभी नहीं सप्लाई करना, आज से 3 महीने बाद करना है। तो इस गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था, आज आपने जाके पता किया वो लेट से 1,000 रुपए का आता था। इस रॉ मटेरियल को सप्लाई करने, इस फिनिश गुड्स को सप्लाई करने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो 1,000 है। आपने कमिटमेंट आज कर दिया कि हम आपको आज से 3 महीने बाद इस प्राइस के ऊपर क्या भेजेंगे, गुड्स भेजेंगे। गुड्स आपने, आप ऐसा समझिए आपको किसी स्कूल में मिड डे मील सप्लाई करना, अभी वेकेशन चल रहे हैं, उन्होंने बोला कि जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आप हमें
गुड सप्लाई कर देना। अब आपने जाके जो रेट कोट कर दिया वो तो आज की प्राइस पे कर दिया। अब आज आपने देखा कि रॉ मटेरियल जो उस मील को बनाने के लिए वो 1000 रुपीज का मिल रहा है, तो रिस्क क्या है? हो सकता है कि ये 1000 रुपीज का जो गुड्स है आने वाले समय में 1500 का हो जाए। तो बताइए इससे आपके कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको सीधे 500 रुपये का लॉस हो सकता है। फिगर में मत जाना कि 500 का लॉस। तो आपने गुड सप्लाई आज से 3 महीने बात करनी है। आपकी बुक्स में कोई एसेट्स और लाइबिलिटी तो नहीं है। आपने आज के रॉ मटेरियल की प्राइस के बेसिस पे फ्यूचर में गुड सप्लाई करने का एक क्या कर लिया है, कमिटमेंट कर लिया है। तो अगर फ्यूचर में वो गुड्स 1500 का हो गया तो आपको 500 का नुकसान हो जाएगा। तो अगेन इस प्रकार के कैश फ्लो में आपके कैश फ्लो में चेंजेस आ सकता है। तो ये एग्जांपल हुआ कैश फ्लो हेज का। तो सर इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपका जो सप्लायर है जो ये रॉ मटेरियल आपको देने वाला है 1000 का, आप उससे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हम आपसे 1050 में क्या करेंगे। तो आप इतनी रिस्क ले सकते हो। तो आपने यहां पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया, भले ही वो चीज आने वाले समय में अगर 1200 की भी हो गई या 1500 की भी हो गई, स्टिल आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1050। तो रिस्क में हम हमारे आउटकम को क्या कर लेते हैं, सर्टेन कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है, वहां पे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, और कैश फ्लो हेज में हम बात कर रहे हैं प्रोबेबल कैश फ्लो उस एसेट्स और लायबिलिटी से मिलने वाले या उस लायबिलिटी से रिलेटेड पे किए जाने वाले कैश में जो चेंज आ सकता है उसको हम बोल रहे हैं कैश फ्लो हेज। तो अगर डेफिनेशन को और थोड़ा माइन्यूटली समझें, मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, एज यू कैन सी द की डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो हेज एंड द फेयर वैल्यू हेज इज द हेज ऑफ आइटम। हेज आइटम, अभी हेज आइटम पढ़ चुके हैं। विद कैश फ्लो हेज यू आर हेजिंग द चेंजेस इन द कैश फ्लो, यू आर हेजिंग द चेंजेस इन द कैश फ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम द एसेट्स एंड लायबिलिटी। वेयर इज फेयर वैल्यू हेज हेल्प मिटिगेट योर एक्सपोजर टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी। तो जो दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, एक मैंने आपको फेयर वैल्यू हेज का एग्जांपल लिया कि आपके पास कोई ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपकी बुक्स में वो करंट एसेट्स है, तो उसकी वैल्यू में फ्यूचर में चेंज आ सकता है, तो वो वाला हेजिंग किससे रिलेटेड हुआ, फेयर वैल्यू हेज से। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल लिया कि आपने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि हम आपको गुड सप्लाई करेंगे लेकिन आपके रॉ मटेरियल की प्राइस में इन फ्यूचर में चेंज आ सकता है। आपने आज की रॉ मटेरियल की प्राइस के बेसिस पे फ्यूचर के वेरियस गुड्स के लिए क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कैश फ्लो हेज। तो ये तो थ्योरेटिकल है। अब हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिससे कि आपको फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग कैसे होती है वो समझ में आ जाए। तो फिर हमारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है IFRS 9, जो कि डिप्लोमा IFRS में आपसे पूछे जाने की अच्छी संभावना है, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं।